चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। लेकिन चूंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लीव डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मिनरल, सबसे पहले आते हैं मिनरल्स। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस है ना, इसके काफ़ी टर्म्स इसमें यूज़ होंगे। सबसे जो कॉमन टर्म हम यूज़ करने के वो है मिनरल, ठीक है? द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सर्फेस विच कंटेन कॉम्पाउंड्स ऑफ मेटल्स इन अ कम्बाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। अब मिनरल क्या चीज़ है? वो कहता है वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल, मतलब सॉलिड स्टेट में एक मटेरियल होगा जो ज़मीन के अंदर पाया जाएगा और जिसके अंदर कोई ख़ास मेटल का कंपाउंड होगा, ठीक है? साथ में और चीज़ें भी होंगी, ठीक है? मतलब इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? मिनरल। अब मिनरल बेसिकली क्या है? एक कह लें कि एक मिक्सचर है एक स्पेसिफिक मेटल के कंपाउंड्स का और डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है? जिसके नज़र मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आगे जाके, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरी जाती है ओर्स। अब ओर्स क्या है? बेसिकली मिनरल्स की टाइप्स हैं, ठीक है? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपेरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल। अब वो कहते हैं कि वो वाले मिनरल्स जिसके हम कमर्शियली यूज़ करते हैं मेटल निकालने के लिए और एक लो कॉस्ट पे निकालने के लिए, मतलब कम एफर्ट हो और लो कॉस्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? ओर। मतलब कि ओर का क्या फ़ायदा है कि हमें एक तो कॉस्ट हमारी कम हो इसके अंदर से मेटल निकालने की, दूसरा ये कि हमें एफर्ट भी कम लगाना पड़े, ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस से ना इसको गुजारना पड़े, ठीक है? तो उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ओर्स ऑफ कॉपर आर कॉपर ग्लैंस चैल कॉपीराइट। वो कहते हैं कि उस मिसाल दी उसने कि दो ऐसी ओर्स हैं जिसके अंदर से हम कॉपर निकालते हैं, एक है कॉपर ग्लैंड CU2S और एक चैलकोपराइट CuFeS2, ठीक है? हैंस ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। कहने का मकसद है कि जो तमाम ओर्स हैं बेसिकली वो मिनरल्स होती हैं, ठीक है? लेकिन सारी मिनरल्स ओर नहीं होती, क्योंकि जाहिर बात है हर मिनरल से हमारे लिए मेटल निकालना मुश्किल भी हो सकता है और कॉस्ट कंज्यूमिंग भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं गेंज। अब गेंज भी क्या है? बेसिकली मिनरल के अंदर पाई जाती है, ठीक है? द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कॉल्ड आर नोन एज गेंज। गेंज क्या है? बेसिकली जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना एक मेटल के अंदर, वो मिनरल के अंदर, उसको हम कहते हैं गेंज। अब देखा जाए तो मिनरल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, गेंज और एक ओर्स, ठीक है? उसके बाद है मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, कहने का मतलब है कि जो मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है ना फ्रॉम अ ओर, मतलब ओर से निकालने का तरीका, कि जिससे वो एक तो प्योर स्टेट में आए और एक तो ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आए हो, ठीक है? दो चीज़ें हैं कि मेटल जो हमारा निकलता है फर्स्ट कारण कॉपर है तो वो प्योर स्टेट में हो, मतलब कॉपर के अंदर कोई और इम्प्योरिटीज़ ना हो, गेंज ना हो, ठीक है? दूसरा ये कि लार्ज स्केल पे हो, मतलब कि ये ना हो कि हम इतना लंबा प्रोसेस करें और साथ में हमें थोड़ा सा कॉपर आए, ज़रा सारा कॉपर आना चाहिए जो कि हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, फ्रॉम इट्स ओवर बाय फिजिकल केमिकल मीन्स। अब ये दो किस्म के उसने तरीके बताए हैं, या तो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि फोर्स लगा लें, हीट दे दें, प्रेशर दे दें, ठीक है? दूसरा ये केमिकल मीन्स क्या, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस हो, ठीक है? जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस किस तरह के होते हैं, ठीक है? इस कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है? इसको मेटलर्जी को कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर से हम ओर को, ओर के अंदर से मेटल निकालते हैं, साथ में उसको प्योर स्टेट में उसको मतलब निकालते हैं, साथ में ज़्यादा क्वांटिटी में निकालते हैं, फिजिकल या केमिकल मीन्स से, ठीक है? द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन द प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर आर। अब वो कहते हैं कि मेटलर्जी को हमने आगे फर्दर तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है? वो कौन से तीन स्टेजेस हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब कि जो ओर हमारे पास आ रही है हम उसको कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है? मतलब उसको इम्प्योरिटीज़ निकालें और उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें मेटल के गिर, ठीक है? मतलब उसमें ज़्यादा मेटल की क्वांटिटी हम बढ़ा दें, वो सारी क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा सकते, परसेंटेज बढ़ा दें, क्योंकि हम उसके अंदर से जब गेंज को रिमूव कर देंगे ना तो हमारी टोटल मटेरियल के अंदर मेटल की जो क्वांटिटी वो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, दूसरा प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि हम ओर के अंदर से मेटल को निकाल लेते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है? रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, मतलब जो मेटल आया उसकी फिर सफाई होती है ताकि
इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, क्योंकि ज़ाहरी बात है हमने पहले कॉन्सेंट्रेट किया है, लेकिन बाज़ अवकात ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम नहीं निकाल सकते, तो वो हम रिफाइनिंग में दोबारा निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे इनकी डिटेल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं, हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।